अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं ये तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के संस्कृत के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक प्रसिद्ध नाटक प्रस्तावित है। द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र। प्यारे बच्चों, हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कम से कम जो महाविद्यालयों में और विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, जिसने महाकवि कालिदास का नाम नहीं सुना हो। कालिदास की प्रसिद्धि न केवल भारतवर्ष में है, अपितु पूरे विश्व में महाकवि कालिदास के ग्रंथ पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। ये इनकी लोकप्रियता और इनकी प्रसिद्धि का प्रमाण है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही व्यापक है, विशाल है और इसकी परिधि में साहित्य भी आता है। संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है साहित्य, जिसे लिटरेचर कहते हैं। और इस साहित्य में इसकी अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। ज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, भेद और प्रभेद होते हैं। इसमें से एक काव्य के नाम से कहा जाता है। मोटे तौर पर काव्य गद्य पद्य चंपू इन सब का मिश्रण है। जैसा कि हमारे यहाँ लक्षण शास्त्रियों ने, जिन्होंने काव्य शास्त्र के ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने काव्य के बारे में विस्तार से अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। कहा है, काव्यम द्विधा, अर्थात काव्य दो प्रकार के होते हैं। स्थूल मोटे तौर पर काव्य दो प्रकार के कहे गए हैं, काव्यम द्विधा गद्यम च पद्यम च। गद्य काव्य और पद्य काव्य, गद्य और पद्य के भेद से काव्य के दो स्थूल भेद किए गए। और एक तीसरा भेद और है जिसे चंपू कहते हैं, उसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। अब इसी काव्य में एक बहुत बड़ा भेद है, वह है रूपक साहित्य। रूपक जैसा कि इसके नाम से प्रकट हो रहा है, संस्कृत में किसी भी शब्द का अर्थ समझना हो तो उसकी व्युत्पत्ति, अर्थात वह शब्द कैसे बनता है, कौन से उसमें मूल धातु है, कौन सा प्रत्यय है, इत्यादि का जब हम विचार करते हैं तो शब्द का कुछ कुछ तात्पर्य हमें समझ में आने लगता है। जैसे रूपक शब्द है, तो रूपक इसमें रूप शब्द है, रूप यानी आकृति। और रूपक के बारे में कहा, रूप का आरूप, रूपस्य आरूप, रूप का आरोप जहां होता है वहां रूपक हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ, जो व्यक्ति जो नहीं है, जो व्यक्ति जैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर उसके रूप का आरोप कर दिया। जैसे सरल शब्दों में कहें तो, जैसे मान लीजिए किसी
कहीं किसी नाटक का मंचन हो रहा है, हम गांवों में भी देखते हैं, रामलीलाओं में देखते हैं, जो व्यक्ति किसी अन्य कार्य को करता है, कृषक है, शिल्पी है, मजदूर है, श्रमिक है, कोई भी है, उसे रामलीलाओं में विशेष प्रकार की भूमिकाएं दी जाती है। कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनता है, कोई किसी भी पात्र के रूप में प्रस्तुत हो जाता है मंच पर। तो रूप का आरोप होता है, जो व्यक्ति राम नहीं है उस पर राम के रूप का आरोप कर दिया जाता है, जो व्यक्ति रावण नहीं है उस पर रावण के रूप का आरोप कर दिया जाता है। तो रूप के आरोप के कारण रूपक कहते हैं। अब ये रूपक काव्य शास्त्र में बहुत विस्तार से समझाया गया है, रूपक क्या है, इसके कितने भेद हैं, उसके क्या लक्षण हैं, कौन कौन से उसके उदाहरण हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसे साहित्य दर्पण इत्यादि जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, उसमें उन्होंने रूपक के 10 भेद बताए, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, वीथि और अंक, ये 10 के रूपक के। अब आप देखिए रूपक कितना विशाल इसका इसकी परिधि है, जिसमें नाटक समाहित और हम नाट्य साहित्य बोलते हैं, नाट्य साहित्य बोलते हैं, वस्तुतः वो रूपक को हम परिलक्षित करके बोलते हैं। नाटक तो रूपक का एक भेद है, नाटक के भी बहुत सारे काव्य शास्त्रियों ने अलग अलग लक्षण बताए हैं, मतलब जिसको क्राइटेरिया बोलते हैं, क्या क्या होगा जब हम किसी ग्रंथ को नाटक कहेंगे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह एक नाट्य ग्रंथ है, महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है, आप जानते हैं 7 अंकों में विभाजित है। देखिए नाटक है इसको यहाँ अंक है, आप जब महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ सर्ग मिलेंगे, अर्थात जिसको अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं ना, अध्याय, उसके अलग अलग नाम हैं, विधा के भेद से अध्यायों के नाम बदल जाते हैं। जैसे महाकाव्य मैंने बताया आपको सर्ग, नाटक में उसे अंक कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक, ये जो स्थूल लक्षण है ये होगा तो उसको फिर और क्या होता है, मुख्य रूप से नाटक में नायक होता है और वह किस कोटि का होता है यह भी कहा गया। जैसे नाटक का नायक धीरोदात्त कोटि का, धीर और उदात्त, नायक के भी भेद बताए गए हैं, धीरोदात्त है, धीर प्रशांत है, धीर ललित है, धीरोद्धत, ये नायकों के भेद है। इसी प्रकार नायिकाओं के भी भेद कहे गए, वो हम किसी और क्रम में उसके बारे में बताएंगे आपको। आज मैं संक्षेप में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में ही बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा महाकवि कालिदास केवल अपने भारतवर्ष के अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नाटककार है और इनकी प्रसिद्धि इस बात से ही सिद्ध है कि विश्व में शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें इनके ग्रंथों का अनुवाद नहीं प्राप्त होता। और बहुत आनंद आएगा आपको जानकर कि
देशी विश्वविद्यालयों में भी कालिदास के ग्रंथ विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। तो यह कालिदास की और उनके ग्रंथों की प्रसिद्धि, उसके महात्म्य को दर्शाता है। इनके नाम से, कालिदास के नाम से हमें सात ग्रंथ उपलब्ध होते, जिसमें तीन तो नाट्य ग्रंथ हैं, दो महाकाव्य हैं और दो गीति काव्य के रूप में कहे। उनके नाम देखिए आप, मालविकाग्नि मित्रम, यह कालिदास का पहला नाटक मालविकाग्नि मित्रम। दूसरा उनका ग्रंथ है, नाट्य ग्रंथ, इसका नाम है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। तीसरा जो हमें पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए कहा गया है वो है अभिज्ञान शर्त। तीन तो नाट्य ग्रंथ हो गए। अब आप देखिए, दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, रघुवंशम और कुमार संभवम। तीन तो नाट्य ग्रंथ बताए, दो महाकाव्य बताए और दो टीका, जिनमें पहला है ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास की प्रारंभिक रचना भी मानी जाती, सबसे पहले उन्होंने ऋतु संहार ही लिखा। दूसरा जो प्रसिद्ध गीति काव्य है, जिसका अभिज्ञान शाकुंतलम की तरह ही पूरे विश्व में नाम है, पढ़ाया जाता है, जिसको सभी भाषाओं में अनुवाद जिसका मिलता है, वह है मेघदूतम। जो दो प्रसिद्ध ग्रंथ कालिदास के सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ कहे जाते हैं वो यही दो है, एक तो मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उनके किसी भी ग्रंथ को कम कहना ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्यों? जब किसी महान कलाकार की कोई कृति होती है तो उसे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये न्यून है, उसकी व्याख्या की आवश्यकता है। उनके सभी ग्रंथ उत्कृष्ट होती है कालिदास। तो ये सात ग्रंथ उपलब्ध हैं, और भी ग्रंथों के नाम मिलते हैं, परंतु उनके बारे में विद्वानों में सहमति नहीं है कि वो कालिदास के हैं भी या नहीं है। लेकिन ये जो सात है, ये सर्वमान्य रूप से महाकवि कालिदास के ही ग्रंथ। अब आप देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक भी काव्यकार, किसी भी कवि साहित्यकार कोई न कोई प्रेरणा अवश्य। हमारे महाकवि कालिदास के समक्ष रामायण, महाभारत, पुराण, वैदिक साहित्य का विशाल भंडार पड़ा और इतना सिद्ध कवि, इतना सिद्ध नाटक का अवश्य इन ग्रंथों के अध्ययन के बाद ही कोई बन सकता है। जब तक अध्ययन नहीं होगा, अध्ययन की व्यापकता नहीं होगी, जब तक हमने बहुत सारे ग्रंथ और ग्रंथकारों को पढ़ा नहीं होगा, तब तक हम अपनी किसी कलाकृति
अपने किसी काव्य कृति की रचना नहीं कर सकते, या करेंगे तो वो इतनी उत्कृष्ट नहीं। कालिदास के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है इन्होंने हमारे भारतीय साहित्य का सांगोपांग अध्ययन किया होगा। जैसे अब आप विज्ञान शाकुंतलम के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें वैदिक साहित्य, पुराणों के भी संदर्भ, पौराणिक कथाओं के संदर्भ में, और मुख्य रूप से जिस ग्रंथ को इन्होंने अपना आधार बनाया वह ग्रंथ आर्ष काव्य का है, जिसे महाभारत कहते हैं। अवश्य इसका नाम सुना होगा, महाभारत विश्व साहित्य का अत्यंत प्रसिद्ध, बहुश्रुत, बहुपठित ग्रंथ। और महाभारत की विशालता के बारे में भी आप जान लें कि यह विश्व का सबसे बड़ा काव्य, इससे बड़े किसी ग्रंथ की रचना विश्व में कहीं नहीं। 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है महाभारत। उस महाभारत में वहां जो अध्याय है उन्हें पर्व कहा, आदि पर्व से प्रारंभ होकर के स्वर्गारोहण तक 18 पर्वों में विभक्त। तो महाभारत तो विशाल समुद्र है, व्यास जी की रचना है, आप सब जानते हैं। उस महाभारत में जैसे कि किसी महासागर में छोटी छोटी सैकड़ों हजारों नदियां आकर के मिल जाती हैं, वैसे ही महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सैकड़ों सहस्रों कथाएं समाहित, आख्यान है, उपाख्यान है। उसी महाभारत में शाकुंतलोपाख्यानम इस नाम से एक उपाख्यान है, शकुंतला का उपाख्यान। और हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध पुराण है, पुराण भी आप जानते होंगे, पुराण संख्या में 18 है प्रमुख, और उप पुराण भी है। वो पौराणिक साहित्य भी बहुत विशाल है उसमें, तो पद्म पुराण एक प्रसिद्ध पुराण है। पद्म पुराण में भी शकुंतला और दुष्यंत की कथा मिलती है। महाभारत में, पद्म पुराण में दोनों ही जगह इस कथा के हमें संकेत सूत्र रूप में प्राप्त होते हैं, महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान में और पद्म पुराण में। शकुंतला और दुष्यंत की कथा हमें प्राप्त होती है। अब महाकवि कालिदास की दृष्टि में ये दोनों ही ग्रंथ आए और उन्होंने अपनी मति से, अपनी प्रतिभा से उस ग्रंथ, उन दोनों ग्रंथों में मिली इस शकुंतला और दुष्यंत की कथा को आधार बनाकर अद्भुत महाकाव्य रच दिया, नाटक रच दिया, जिसे हम ज्ञान शाकुंतलम के